नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच परगना खबर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रांची जिला तमाड़ के देवड़ी मंदिर प्रांगण में अतिक्रमण हटाने एवं मंदिर सौंदर्यीकरण कार्य प्रगति को लेकर कुछ ग्रामीण नाराज हैं। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने के लिए आगे भी आते रहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि यदि प्रशासन उनकी भी बात सुनती है और नियमों के अनुसार मंदिर के हित में कार्य होगी तो सभी तैयार है। वर्तमान समय में सौंदर्यीकरण कार्य कराने में जुटे संवेदक भी परेशान है। लोगों को प्रशासन के बीच आमने सामने होते हमेशा देखने को मिलती रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। आज 5 सितंबर गुरुवार को देवड़ी मंदिर प्रांगण में एक बैठक आयोजित था। बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाज सचेतक और ग्राम सभा के नेतृत्वकर्ता सहित आम लोग सरीक होने की सूचना थी, ताकि अतिक्रमण और सौंदर्यीकरण के संबंध में बातचीत की जा सके। लेकिन वार्ता सफलतापूर्वक नहीं हो पाई। मंदिर में ताला लगा हुआ था, लेकिन श्रद्धालु बिना पूजा किए वापस लौटने की समस्याओं पर मंदिर का ताला खोल दिए। जमशेदपुर से सर आए, पूजा होगी आपकी? जी पूजा हुआ है? नहीं सर, मंदिर तो बंद है। क्यों बंद है? अब बंद है, इसका कारण हम लोग को भी पता नहीं है सर। ग्रामीण लोग बोलते हैं कि अब बंद है तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, अब हम लोग को तकलीफ है, अब प्रशासन अब क्या करेंगे। बंद है मंदिर तो, बट बाहर से दर्शन हो गए। मंदिर क्यों बंद है? कोई आइडिया नहीं है, बट कुछ एक अम्मा ने बोला कि कोई ग्राम सभा का कुछ तो ताला मारने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। देवड़ी मंदिर में ताला मारने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पादरियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। इस बैठक से यह स्पष्ट होता है कि देवड़ी मंदिर ट्रस्ट के विरुद्ध एवं मंदिर के जमीन को लेकर ग्राम प्रधान एवं अन्य लोग माननीय उच्च न्यायालय में केस दर्ज कराए थे। वहां से ये लोग केस हार चुके हैं। उसके बाद भी अन्य सभी कार्यालयों में यह लोग प्रयास किए, जिसमें असफल रहे और कहीं सही साबित नहीं हुए। तब ये लोग आप भोली भाली जनता को बरगला रहे हैं और झूठा दिलासा दे रहे हैं। इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अतः आप सभी से अनुरोध है कि इनकी बातों में ना आए। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे इस क्षेत्र की सुप्रसिद्ध देवड़ी मंदिर आस्था का प्रतीक, जो कि हिंदुत्व और सनातनी के लिए सर्वोपरि है, और ऐसे मंदिरों में कुछ उपद्रवियों किसी की बहकावा में आने के साथ साथ तालाबंदी करते हैं, ये कहीं ना कहीं बाहरी कुछ ऐसे शक्ति का प्रतीक है जो कि स्थानीय लोगों को भड़का के हमारे सनातन के प्रतीक ऐसे सुप्रसिद्ध मंदिर को तालाबंदी करने का काम कर रहे हैं, और तालाबंदी जैसा घिनौना काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर इसके हाथों में ले, उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए, इसी के मांगों के साथ हम सभी यहां उपस्थित हैं। मंदिर में कुछ लोगों ने इसे अपने निजी स्वार्थ के सामने है, कुछ लोगों ने इस मंदिर पर अपना दावा प्रस्तुत किया, और दावा को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ऑनरेबल हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर किया, जिसका रिट पिटीशन का केस नंबर WPC 127/2021 था। उस मुकदमे में जो मुकदमा दायर किया गया था, वो देवड़ी के ग्राम प्रधान सुमित्रा मुंडा है, वर्तमान ग्राम प्रधान जो कथित वो लोग कहते हैं दिगंबर मुंडा, एक अन्य संजय कुमार के द्वारा दायर किया गया था। उस WPC में उन लोगों ने ऑनरेबल हाईकोर्ट में देवड़ी मंदिर के परिसर को अपना बताते हुए दावा पेश किया था, परंतु चूंकि यह जमीन जो देवड़ी मंदिर परिसर है वो सैकड़ों वर्ष से चला रहा है, और रिविजनल सर्वे खतियान में और कस्टडियल सर्वे खतियान में दोनों में ही मंदिर के रूप में अंकित है, ऐसी परिस्थिति में उभय पक्ष के बहस को सुनने के पश्चात और सारे कागजात का अवलोकन के पश्चात ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन 127/2021 को, जो कि देवड़ी मंदिर के ग्राम प्रधान सुमित्रा मुंडा ने अपने आप को कहते हुए मुकदमा को दायर किया था, और दिगंबर मुंडा एवं संजय कुमार के द्वारा दायर किया गया था, वह मुकदमा खारिज हो गया। आपको लेकर के बोला गया कि आपका ये अनर्गल आपका ये विधि व्यवस्था है, सिस्टम नहीं करे, तो विकास के काम हो रही सर के आगे बढ़ेगी? पहले तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे ना, पहले उसके बाद में ग्राम सभा में यहाँ पर
मुख्य लोगों को प्रशासन की ओर से ये प्रखंड में जो बैठते अंचल अधिकारी तामाड़ और अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू को बुलाया गया था और हमारे क्षेत्र के दो जनप्रतिनिधि एक विधायक विकास कुमार मुंडा जी और दूसरा हमारा सांसद कालीचरण मुंडा जी को भी लिखित रूप से आमंत्रित किया गया था। चूँकि विकास कुमार मुंडा और कालीचरण मुंडा हमारा संयुक्त ग्राम सभा में उपस्थित नहीं हुए, ये प्रोग्राम 12 बजे से रखा गया था किंतु प्रशासन जो है वहाँ पर 7 बजे पहुँच करके अफरा तफरी कर दिया। हमारा समाज का आदिवासी समाज का पुराना पद्धति का ये है कि जब ग्राम सभा का मीटिंग होता है विशेष मीटिंग तो सारा कामकाज बंद रखा जाता है, वहाँ पर कोई हॉल नहीं जोतेगा, खेती काम में कुछ कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा, दुकान नहीं खोलेगा, तो ये दुकानदारी सब बंद किया गया था। और मंदिर में जो है बहुत लोग वहाँ पर मंदिर में कार्यरत है तो इसलिए मंदिर को भी ताला लगा दिया गया था। वो ताला जब लग गया तो प्रशासन को लोगों ने खबर किया, पंडा लोग बोला ताला बंद किया, तब जो है वो प्रशासन वहाँ पर आया और पूछने लगा तो कौन लगाया, तो देवड़ी गांव के ग्राम सभा के लोग लगाया था। बार बार उन लोग को बोला गया कि हम लोग आज मीटिंग जितना देरी होगा उतना देरी के लिए बंद किए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा के लिए बंद किए हैं, मीटिंग आज हो उसके बाद कल से जैसा पूजा पाठ चल रहा है चलेगा। तो किसी का भी बात, ग्राम सभा का बात एसडीओ साहब भी नहीं सुने, डीएसपी साहब भी गए तो वो भी नहीं सुने, थाना प्रभारी भी नहीं सुने, कोई नहीं सुना और उसको आरी मंगवा कर ये एसडीओ साहब, एसडीओ बुंडू और डीएसपी बुंडू और थाना प्रभारी तमाड़ जो है वहाँ पर उपस्थित हो करके ताला को आरी से काटवाया। सुंदरीकरण, देखिए सुंदरीकरण के लिए भी ये विवादित बढ़ गया क्योंकि सुंदरीकरण करने के लिए भी जो हेमंत सरकार ने 8 करोड़ रुपया का जो राशि नियुक्तिकरण किया, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये बिना ग्राम सभा को पूछे ही वहाँ कैसे सुंदरीकरण होगा। जो दीवड़ी, हम एक और बात कहना चाहते हैं, जो दीवड़ी दीरी पूजा स्थल बोलिए, चाहे दीवड़ी मंदिर बोलिए, चाहे दीवड़ी गाँव बोलिए, ये तीनों नाम गाँव से जुड़ा हुआ है और ये प्राचीन काली मंदिर है। और आज के डेट में आज ये चीज़ बार बार हम एसडीओ साहब को बताना चाहे कि जो प्राचीन काली मंदिर है तो प्राचीन काल से असुरों के द्वारा बनाया हुआ ये पूजा स्थल था, लेकिन ये जो 3 साल पहले कोरोना काल के समय बनाया हुआ ट्रस्ट को मान्यता दे रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल के मंदिर का जो बोर्ड लगा था उसको भी ट्रस्ट बनने के बाद से उस बोर्ड को हटा दिया गया, जो कि स्वर्गीय श्री रमेश सिंह मुंडा के द्वारा लगाया गया था, ये चीज़ जी उसी का बेटा के द्वारा वो हटाया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं ये प्रशासन मनमर्जी कर रही है और पॉलिटिशियन मनमर्जी कर रहे हैं, इसका विरोध ग्राम सभा की पुरचोर विरोध कर रही है ग्राम सभा। अच्छा, कितने दिनों से ये चल रही है? ये सब जब से ये ट्रस्ट यहाँ पर बना है तब से चल रही है, उससे पहले यहाँ के जो तमाड़ क्षेत्र के मूलवासी आदिवासी सभी टाइप का आदमी पूजा जाके करते थे, उसके उपरांत भी कोर्ट में केस चलती थी, लेकिन वहाँ ब्राह्मण भी पूजा करते थे, वहाँ पर हमारा पहान भी पूजा करते थे, तो ये सब हम लोग का समन्वय था। लेकिन वहाँ जब ब्राह्मण भी पूजा कर रही है और पहान भी पूजा कर रही है, किसी टाइप का जो आपस में समन्वय से था, और उसको ट्रस्ट बना के सरकार को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम, ग्राम सभा की जो अधिकार है उसको सरकार को फायदा पहुंचाने का काम किए हैं, तो इसीलिए इसका विरोध अभी बढ़ चुका है। ऐसे समाप्त कैसे होगा? समाप्त होने का एक ही कारण है, हमारा एक मांग है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। आज कोई भी झारखंड सरकार बोल के, हम जो सरकार बोलते हैं ये सरकार के रूप में ग्राम सभा को सही मायने नहीं मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि आज से सरकार ने, चाहे कोई भी सरकार हो, आज 23 साल के दौरान आज पेशा कानून को भटकाया जा रहा है। अब पेशा कानून में साफ लिखा हुआ है, 1 साल के 1996 में जब पेशा कानून लागू हुआ तो पेशा कानून लागू नहीं करेंगे, तो साफ लिखा हुआ था कि 1 साल के बाद स्वतः फिर ग्राम सभा या रूढ़ी प्रथा यहाँ पर लागू रहेगी।
उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे संविधान में लिखा हुआ कानून को, ग्राम सभा बोलिए, पांचवी अनुसूची बोलिए, CNT एक्ट बोलिए, और इस सब को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। और आदिवासी समाज के यहाँ बहुल जनसंख्यक है, तो आदिवासी समाज हमेशा कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई में पीछे रहते हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आज देवड़ी मंदिर में ताला लगाया गया, जो कि हमारे आस्था को ठेस पहुंची है, और हमारे माता देवड़ी माता का जो है अनादर हुआ है, उसके खिलाफ में हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। और कल मुंडू 9 बजे के बाद संपूर्ण मुंडू बंद रहेगा, जितने भी प्रतिष्ठान है सारे बंद रहेंगे। हम लोग अभी मशाल जुलूस निकले हुए हैं। कहाँ तक जा रही है जुलूस? ये मुंडू का जहाँ तक सीमांत है, हम लोग का टाव मोड़ से लेके वहाँ आपका ये का नाम है पुराना बाजार टोली तक हम लोग जुलूस निकाले हुए हैं, जिससे पूरा मुंडू बंद रहेगा कल। इधर बुंडू और तमाड़ में आज शाम को जुलूस निकालकर तमाड़ और बुंडू बंद का ऐलान किया गया है। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल 5 पर अग्ना के साथ। नमस्कार।